गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के बोल दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने एक और विवादित बयान दे दिया है। अल्पेश ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के गाल इसलिए लाल हो रहे हैं क्योंकि वो रोज 4 लाख की मशरूम खा जाते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या खाते हैं? बोले, वो तो मशरूम खाते हैं। मैं तो, उसमें क्या हुआ, मशरूम तो मिलता है यहाँ पे। अरे, तुम लोग जो खाते हो उनको अच्छा नहीं लगता, वो जो खाते हैं वो तो ताइवान से आता है, और ताइवान से जो मशरूम आता है उसके एक मशरूम की कीमत 80,000 रुपया है। क्या बात करते हो? बोले, हाँ ऐसा है, और मोदी साहब हर रोज के 5 मशरूम खा जाते हैं। क्या बात करते हो तुम? बोले, हाँ। अरे यार, जो प्राइम मिनिस्टर हर रोज के, हाँ मैंने ये भी पूछा, बोले वो प्राइम मिनिस्टर थे तब से? बोले, नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर थे तब से। मैंने बोला, तभी वो तो मेरे जितने काले थे, इतने गोरे कैसे हो गए वो? क्योंकि मैंने 35 साल पहले की फोटो भी उनकी देखी है यार, वो मेरे जैसे काले थे और इतने मजबूत कैसे हो गए, और ये गोरे गोरे चिट्टे कैसे हो गए लाल टमाटर जैसे। तो यार समझ लो, जो प्राइम मिनिस्टर हर रोज के 4 लाख के मशरूम खा जाते हैं, महीने के 1,20,00,000 के मशरूम खा जाते हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान निजी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सबसे अधिक देखने को मिला है। इस बार चुनाव में हर कोई अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है, और आज प्रचार के आखिरी दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज से 2 दिन बाद यानी आखिरी चरण के वोटिंग वाले दिन जनता इस तरह की बयानबाजी का कैसे जवाब देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।